इस घूमते हुए चुंबकीय तारे को बनाने के लिए आपको दो कॉरिगेटेड बोर्ड के टुकड़े चाहिए, एक धातु का बना छल्ला चाहिए, पेपर का सर्कल, स्पाइरल, दो साइकिल के स्पोक और दो रिंग मैग्नेट चाहिए। सबसे पहले आप कॉरिगेटेड शीट के कार्डबोर्ड के दो टुकड़े लें और उनमें आप दो बाइसिकल स्पोक को इस तरह से फंसाएं जिससे कि एक सकरा पर लंबा रेल ट्रैक जैसा बन जाए। ये देखिए, अब हम दूसरी स्पोक को दोनों कॉरिगेटेड बोर्ड्स में घुसा रहे हैं। उसके बाद में जो इन तीलियों के जो मत्थे हैं, थोड़े थोड़े टेप के टुकड़ों से स्पोक्स के मत्थों को आप कार्डबोर्ड के साथ में फिक्स कर दें। अब ये हमारा ट्रैक बन गया। अगर आप दोनों कार्डबोर्ड के टुकड़ों को आगे पीछे करेंगे तो उससे इस ट्रैक की लंबाई कम या ज्यादा कर पाएंगे। उसके बाद में आप किसी भी बोतल का, धातु का बना एक ढक्कन लें, उससे एक तारा जैसे काट दें और बीच में एक छेद बनाएं, ये बहुत जरूरी है। फिर एक रिंग मैग्नेट को आप बीचों बीच ढक्कन की चिपका दें, मैग्नेट पे भी एक गोंद लगाएं और उसके बाद में एक गोल सर्कल उसके ऊपर सफेद चिपका दें। देखिए, नीचे आपको छेद दिखाई देगा। फिर इस गोले के ऊपर आप गोंद लगा करके उसके ऊपर एक गत्ते का बना हुआ स्पाइरल चिपका दें। अब खिलौने के दोनों हिस्से तैयार हैं, एक तरफ ट्रैक है, एक तरफ आपका तारा है, चुंबकीय तारा। चुंबकीय तारे को आप ट्रैक के बीच में रखें और दोनों गत्तों को अगर आप आगे पीछे करेंगे तो ये धातु का बना हुआ सितारा गोल गोल घूमेगा, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। आप यहां पर इसका क्लोजअप देख सकते हैं। इसका मोशन बेहद ही विस्मयकारी है, आपको बहुत आनंद आएगा इसको देख करके।